गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश मेंटर स्वाति त्रिपाठी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्मार्ट भी, बिकॉज यू हैव जॉइंड द स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है एसएससी के कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीरियल का ही एक प्रीवियस पेपर, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसे होता है और क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे एलिमिनेट किया जाता है या ऑप्शंस को कैसे टिक करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। आपकी ये एग्जाम है आपका 3 मार्च 2023 का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो आप देख सकते हैं। तो हम इसको, आपका पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा, इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश आती है। तो रीजनिंग मैथ्स आप प्रैक्टिस से करेंगे, जीएस के लिए और इंग्लिश के लिए आपको करंट में लर्न करना होता है। तो देखते हैं हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश को पहले स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आपका क्या हो, कहां से स्टार्ट होता है? जैसे यहाँ पर दिया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जिसमें जो भी आपको अंडरलाइन बन दिया उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि आपने दिया माय शूज वर बॉर्न आउट सो आई हैड टू ट्राई अ न्यू वन। जैसे आपने पहले तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट साइड कर दीजिए कि हमने ऑप्शन देखा ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, माय शूज, शूज आपके क्या होते हैं, शूज मीन्स एक शूज, एक शू या बहुत सारे, जूता या जूते, तो इसका प्लूरल हो गया ना। और यहाँ आपको ऑप्शन क्या दिया, अ न्यू वन, एक की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ न्यू वंस, आ लगा है वंस भी लगा, आ मीन्स सिंगुलर और वंस मीन्स प्लूरल। दूसरा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, वो भी देख लेते हैं, न्यू वंस, वंस मीन्स एपोस्ट्रोफियस, जैसे लगता है ना कि राम्स फादर, राम्स फादर तो राम के पिताजी, उस हिसाब से यूज करते हैं, बट यहाँ पे वंस का नीड नहीं है कि न्यू वंस, नए क्या नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है न्यू वंस, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शूज क्या है आपके प्लूरल है और यहाँ पे भी आ का यूज हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, सी शेयर टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। सबसे पहले हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी वो किसमें है, तो अगर ये से टेल्स प्रेजेंट या फ्यूचर में है, विल टेल, विल से, इस टाइप में, तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी अंदर वाला जो टेंस है इसका टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, उसके टाइम में या उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बट यहाँ पे सेट टू दिया है, सेट टू किस में चेंज होता है, सेट टू या तो टोल्ड में चेंज होता है और अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो आस्क्ड में चेंज होता है। यहाँ हमारा सेंटेंस हमने देखा कि क्वेश्चन वर्ड में है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सेट टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। फिर ऑप्शन एलिमिनेट करते, आस्क्ड, 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 सभी में आस्क्ड, तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या देखा, टाइम इज, तो इज किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, और इज एम आर किस में चेंज होते हैं, हमने पढ़ा है ये, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर्ब में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब और प्लूरल होता है वर्ब। अब यहाँ देखते हैं व्हाट टाइम वर्ब हो जाएगा, इस किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब में, तो फर्स्ट ऑप्शन में इज दिया कैंसिल, सेकंड ऑप्शन में वर्ब दिया, तो हो सकता है यहाँ पर भी वर्ब दिया, यहाँ पे विल दे दिया, तो ये कैंसिल। अब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अच्छा एक और रूल होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोगों को हैबिट है दैट की यूज करने की। दैट तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन जो आपका नॉर्मल फॉर्म में होता है, क्वेश्चन वर्ड में नहीं होता। अगर क्वेश्चन वर्ड होता है, मतलब इंट्रोगेटिव में होता है, तो आप इफ या वेदर यूज करते हो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से यूज हो रहा है, जैसे कि इज योर फादर हैज डन, इज योर फादर गोइंग टू द मार्केट, हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन वर्ड की जगह आप हेल्पिंग वर्ब से यूज कर रहे हो, तो हम क्या यूज करेंगे, वेदर या फिर इफ।
लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है जैसे व्हाट हू हूम से तो क्या हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ना दैट का यूज होगा ना ही इफ और वेदर का यूज होगा, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, दैट, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। ऑप्शन कौन सा आया, शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फ्लाइट वाज। अच्छा एक और चीज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम कभी भी जब इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट का क्वेश्चन वर्ड में तो उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रखते, उसको नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लैक द इनकरेक्टली स्पेलिंग। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपने इनकरेक्ट पूछा जा रहा है कि करेक्ट पूरा पूछा जा रहा है। कई बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि वो ऑप्शन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ध्यान से कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं करेक्ट, वो अपने मन से जो उनको स्पेलिंग समझ में आती है ऑप्शन टिक कर देते, तो आपको उसमें से गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे क्या है, पहला है पियर्स, पियर्स मीन्स जैसे कि आप लोग नोज पियर्सिंग करवाते हैं ना, नोज रिंग पहनना, नोज रिंग पहनने के लिए नोज में जो पियर्सिंग होल टाइप से करवाते हैं उसको बोलते हैं ईयर पियर्सिंग, उसको बोलते हैं पीटीएस। पीटीएस मींस क्या होता है, पीटीएस मींस जिसको देख के आपको पिटी आ जाए, मींस किसी को देख के दया आ जाए, उसको दयनीय बोलते हैं। परस्यू कोई चीज कंटिन्यू करना। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड है आपका पैटर्न, पार्टनर इस टाइप से लिखा है कुछ स्पेलिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनर क्या होता है, पार्टनर की स्पेलिंग, पार्टनर वर्ड ही किससे बना है, और इन स्पेलिंग को कभी भी आप डायरेक्ट ऑप्शन मत टिक करिएगा। पहले आप एक बार रफ में नोट करके देख लीजिएगा सो दैट आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पार्टनर तो पहले पार्ट होना चाहिए, पार्टनर कौन होता है, जो आपका पार्टनरशिप हो जिसमें आपके पार्ट, आपका जो भी बिजनेस में प्रोडक्ट में जो भी अचीवमेंट हो रहा है चाहे वो लॉस हो या फायदे की बात हो, तो उसमें पार्ट की बात होती है ना कि 1/2 या 1/4 लेंगे, तो पार्ट से ही पार्टनर बना है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वन। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड। तो आपको इनकरेक्ट को चूज करना है। नुएंसेस क्या होता है, नुएंसेस मींस क्या होता है, नेग्लिजिबल, नेसेसरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और इसको भी देख लेते हैं, नेगोशिएट, नेगोशिएट में कभी भी सी नहीं होता है, SIATE। अच्छा नुवाइंस मतलब क्या देता है, जैसे कि आपने कुछ भी, आपको लेटर या कोई भी कॉम्पिटिशन लिखने को, कॉम्पिटिशन पे बेस्ड कोई भी आपको रिटर्न वर्क दिया गया कि आपको ऐसे लिखना है या कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, उसमें छोटी छोटी जो कमी निकालते हैं ना टीचर्स या कुछ भी एल्डर्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी थी कमी, उन्होंने फुल स्टॉप की मिस्टेक देख ली या आपने पैराग्राफ नहीं चेंज किया, तो आपके तो बहुत छोटी छोटी थी कमी निकालते हैं, वो जो बारीकियां होती है उसी को बोलते हैं नुवाइंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। आपको ईडियम मतलब ये जो मुहावरा दिया गया उसकी मीनिंग आपको निकालनी है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है, ब्लो मीन्स ये होता है किसी चीज को ब्लो करना, मुंह से फुलाना, बांसुरी टाइप से। ट्रम्पेट मीन्स अगर आपको नहीं भी पता है, जैसे कई बार होता है ना शादियों में शहनाई टाइप की जो बजाई जाती है, तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही शहनाई या अपने ही बाजे को बजाना, तो इसको कैसे समझेंगे। पहला है कंडेम अदर्स, कंडेम मीन्स होता है किसी की निंदा करना, किसी की, किसी के बारे में आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो उल्टा सीधा बोलते हो वो, अदर्स की बात तो हो नहीं रही, ओन मतलब अपनी की बात हो रही है। दूसरा है फॉलो अदर्स, सेम है दूसरे को फॉलो करना, यहाँ पे क्या है अपने बारे में बात हो रही है। बी सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर डिपेंड होना, पर ये क्या है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने ही बारे में जो बात करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में मुहावरा है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वही चीज है अपना ही बाजा बजाना, एक तरह से आप ये कह सकते हो, मतलब अपनी ही तारीफ करना, तो क्या हो जाएगा प्रेज वंस सेल्फ, अपनी ही तारीफ करना उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकल एरर का, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। पहले तो आपको क्वेश्चन को ही बहुत केयरफुल होकर पढ़ना है जिससे कि क्वेश्चन के कुछ सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। दीपा वॉक डाउन द रोड, दीपा जो है रोड पर चल रही थी विदाउट लुकिंग एनीबॉडी, बिना किसी को देखे हुए। डॉग डाउन द रोड, ग्राउंड पर सीधे सीधे चल रही थी। दीपा वॉक, दीपा जो है चल रही थी, इसमें क्या एरर है, दीपा वॉक, दीपा चल रही थी या दीपा ने चला, ठीक है। स्लोली विदाउट, बिना मूवमेंट के स्लोली चल रही थी, विदाउट लुकिंग एनीबडी, किसी को देखे बिना, तो लुकिंग के साथ क्या आ जाता है, विदाउट लुकिंग एट एनीबडी,
किसी को देखे बिना, तो नजर के लिए क्या करोगे आप, नजर किसी पर पड़ती है ना, तो पर के लिए क्या हो जाएगा एट। अच्छा एट और ऑन में क्या डिफरेंस होता है? ऑन मीन जब कोई चीज किसी पर वास्तविक में होती है, और एट जब वो चीज किसी के पास में होती है, जैसे दरवाजे पे कोई खटखटा रहा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो दरवाजे के ऊपर गेट के ऊपर बैठ के तो नॉक करता नहीं है, वो गेट के पास आकर वो नॉक करता है। टीचर इज टीचिंग एट द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो बैठ के पढ़ाएंगे नहीं, उसके पास में पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हो जाता है एट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है ये आपका? क्लोज टेस्ट, आपका ये हो जाएगा क्लोज टेस्ट। मीन्स कुछ एक ऐसा पैरा जिसमें कुछ वर्ड डिलीटेड होते हैं, कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं, उनको देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फुल पैराग्राफ को पढ़ना होगा। जैसे है कि वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका कालाहारी डेजर्ट, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया कि कालाहारी कहाँ है। फिर बिलीव इट डैश नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट नियरली 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट एंड इज इन इजिप्टियन हीरोग्राफिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स। दिस फ्रूट वाज ऑफ्टन प्लेस्ड इन द बरियल टॉम्ब्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द अफ्टर लाइफ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सबसे पहले वाटरमेलन, ये तो उनको समझ में आया, वाटरमेलन के प्रोडक्शन की बात हो रही है कि उसका ओरिजिन कब हुआ, उसका ओरिजिन कब हुआ, कहाँ हुआ, और उसको उस टाइम कैसे यूज किया गया, उसके बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड, कहाँ पे माना जाता है कि वो कालाहारी में उसका ओरिजिन हुआ। अब यहाँ पे बोल रहे बिलीव इट डैश नॉट, आप इस बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे, तो या के लिए क्या वर्ड हो जाएगा? और आपको इसमें ऑप्शन को भी देखने की जरूरत नहीं है। बिलीव इट एंड नॉट नहीं होता, बिलीव इट बट नॉट क्या होता है, आप या तो विश्वास करोगे या तो नहीं करोगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे और फिल कर देते हैं। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, जिसकी रिकॉर्ड मतलब जो हार्वेस्ट था वो कब रिकॉर्ड किया गया या कहाँ रिकॉर्ड किया? नियरली 5000 ईयर्स इन इजिप्ट, लगभग 5000 पहले साल पहले उसको हार्वेस्ट किया गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? कंटेन, मतलब अभी अभी उसकी हार्वेस्टिंग या प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो आप उसको कंटेन कर सकते हो, नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। अभी तो हमें ओरिजिन की बात कर रही है, अभी हमें पता ही नहीं उसका प्रोडक्शन होना कैसे, तो प्रोड्यूस कैसे किया, और डिस्कवर भी नहीं, उसकी खोज तो हुई नहीं थी, उसका केवल क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड की बात हो रही है, अकर्ड हो जाएगा। वाटरमेलन का जो हार्वेस्ट लगभग 5000 साल पहले अकर हुआ था, मीन्स उसकी जो हार्वेस्टिंग हुई थी पहली बार देखा गया था वो 5000 साल पहले की बात है। तो अकरेंस किसके लिए आ गया? टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी का ही है, क्या हो जाएगा इसमें? इजिप्ट एंड इन इजिप्टियन डैश, यहाँ पर क्या ऑप्शन है? 5000 years ago in Egypt and his dash in Egypt, और ये चीज कहाँ पर है? डायरेक्ट की गई, वहां पे बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस चीज को, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट तो किसी को नहीं किया गया, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इजिप्टियन हीरोग्राफ, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअल को मतलब किसी ना किसी को किया जाता। अगर बोला जाता कि इनमें चार पांच कंपनीज को अलग अलग चीजों के बारे में बोला गया कि वाटरमेलन के सीड्स के बारे में, आप कलर्स के बारे में, आप उसके वाइटमिन्स के बारे में सर्च करो तो डिस्ट्रीब्यूट यूज करते। नेक्स्ट है डाइवर्टेड, यहाँ पे बात हो रही है कि वाटरमेलन कहाँ से यूज हुआ है, पूरी पॉजिटिव बात चल रही है, यहाँ पे आपने बात को डाइवर्ट कर दिया, नहीं यहाँ पे क्या है? इट इज डिपिक्टेड, मतलब ये बात उसमें रिकॉर्ड की तरह कही गई है, एंड इट इज डिपिक्टेड इन इजिप्टियन हीरोग्लिफिक्स, जो उनकी बुक्स है उनके जो रिकॉर्ड है उसमें ये बात कही गई है। तो कौन सा ऑप्शन से सही हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंड इट It is depicted in Egyptian hieroglyphics on the walls of their buildings. This fruit, यहाँ पे buildings क्या है? कौन सी buildings? अच्छा जब use हो रहा था वो चीज तो वो कहाँ पर? अच्छा obsolete means क्या होता है? Obsolete means होता है out of fashion, कोई चीज जब चलन से बाहर हो जाती है
कोई भी ड्रेसिंग, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ चीजें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फैशन में होती, सम टाइम बाद उसका फैशन चला जाता, तो बोलते हैं ना ये आउट ऑफ फैशन हो गया, उसी को बोलते हैं ऑब्सोलीट। दूसरा है एंशियंट। एंशियंट मीन्स पुराना, एल्डरली मीन्स बड़ा, और आउटडेटेड मतलब सेम है, ऑब्सोलीट और आउटडेटेड एक चीज हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, एंड इट इज ऑन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स। कौन सी बिल्डिंग, जो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी उन बिल्डिंग्स को। बिल्डिंग तो आउट ऑफ फैशन हो नहीं जाएंगी कि नहीं ये बिल्डिंग तो पुरानी हो गई, इसको हटा दो, ये फैशन के बाहर हो गई है, येलो कलर अब फैशन में नहीं है, तो फैशन से इस बिल्डिंग को तोड़ दो, ये पिंक कलर की बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बिल्डिंग कैसी होती है, एंशियंट पुरानी बिल्डिंग। पहले तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, दूसरा सेम ऑप्शन दोनों एक जैसे है, वहां से भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रूट बहुत ऑफ्टन प्लेस्ड, ये जो फ्रूट है ये अक्सर कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पर रखा जाता है, उसको देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 11 कौन सा हो जाएगा, दिस फ्रूट वॉज ऑफ्टन प्लेस्ड एट डैश द बोरियल टॉम्स ऑफ किंग। ये जो है ये किस लिए यूज हो रहा है, बोरियल टॉम्स ऑफ किंग टू प्रोवाइड, मतलब जो भी राजा महाराजा उनकी जो डेथ हो गई है, वो जो उनका कब्र वगैरह बना है, उनको किस लिए दिया जा रहा है, प्रोवाइड नरिशमेंट, मतलब वहां पर इसके पेड़ इसलिए उगाए जा रहे हैं ताकि उनके जो कब्र है उसको क्या मिल सके, नरिशमेंट मिल सके। तो यहाँ क्या बात हो गई, दिस फ्रूट ऑफ्टन टेक प्लेस अलोंग द बोरियल टॉम्स, साथ में उसके बगल में उगाया जा रहा है, बगल में उगाने से तो उनको नरिशमेंट मिलेगा नहीं, बट मतलब जब वो खत्म हुआ तो तभी उतार दिया गया। इन और आफ्टर उसके बाद, मतलब वो जो मर गया उसके बाद तो लगाने की जरूरत है नहीं। इन होगा मीन, जैसे आपने ये देखा टॉम वगैरह, तो इसी के ऊपर जो यहाँ पर है इसके अंदर ही उगाए जाते हैं ताकि उनकी जो कब्र है उसको क्या मिल सके, ठंडक मिल सके, उसके अंदर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट द ऑप्शंस एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव का रूल क्या होता है, कोई भी सेंटेंस किसी भी फॉर्म में दिया हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हमेशा वर्ब की हम सबसे पहले तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये रूल है। एनी हाउ कोई भी सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे हैज वाला रूल तभी आएगा जब एक्टिव में हैज दिया हो। अगर यहाँ पर होता मार्टिन हैज ड्रॉन अ पिक्चर तब तो ये ठीक था, मार्टिन हैज बीन ड्रॉन अ पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय, बट यहाँ पे क्या दिया आपको, ब्रू यानी सेकेंड फॉर्म, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पास्ट में हमेशा पास्ट आएगा, वॉज वाला टिक हो जाएगा। समझ में आया, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, वॉज या वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको अंडरलाइन के लिए एक वर्ड चूज करना। ही सिंग ऑलवेज, यहाँ भी क्या बोल रहा है, ही सिंग ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ही इज सिंगिंग, ऑलवेज ही इज सिंगिंग व्हेन ही इज हैविंग अ शावर, वो हमेशा गा रहा होता है जब वो नहा रहा होता है, ऐसा तो नहीं होता, वो हमेशा गाता है। ही ऑलवेज सिंग्स और ही ऑलवेज सिंग, पहले तो ये ऑप्शन देखिए क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि इसमें जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ही शी इट यानी सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब में, यहाँ पे यूज नहीं किया गया तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये क्यों करेक्ट है, ही ऑलवेज सिंग, और ये वाला क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो ये आपका होता है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमेशा वर्ब के पहले आती है, एडवर्ब जो होती है किसकी किसको क्वालिफाई करती है, वर्ब को, इसलिए हमेशा वर्ब से पहले आती है, वो हमेशा गाता है, तो ही ऑलवेज सिंग, एडवर्ब हमेशा, एडवर्ब शुड बी यूज बिफोर वर्ब, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही ऑलवेज सिंग। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, मतलब आपको इसका सिनोनिम देखना है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका सिनोनिम देखना है, मींस इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इम्प्लोर, ऑर्डर मींस किसी को सम्मान देना, कमांड मींस किसी को कमांड देना, रिफ्यूज मींस पना करना, डिक्लाइन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा, मींस किसी को याचना देना, याचिका करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट,
किसी का आपको ऑपोजिट बताना। विजिलेंट मीन्स कहते हैं ना कि यू हैव टू विजिलेंट, या कई बार आपके कैमरे के लिए भी नोटिस रखा रहता है कि बी केयरफुल और बी विजिलेंट, आप कैमरे की निगरानी में है, यू आर अंडर सीसीटीवी, ऐसा कुछ लिखा रहता है तो क्या हो जाएगा, कॉशियस। कॉशियस मीन्स भी क्या होता है, सावधान होना, केयरफुल होना ना बोलते हैं। अलर्ट, अलर्ट मीन्स भी वही होता है, वैरी भी वही होता है। रैश मीन्स क्या हो जाता है कि मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है, एक तरह से बहुत ज्यादा स्लगिश होना, आलसी होना, उसको बोलते हैं रैश। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लैग, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सेम है। एंटोनिम मीन्स अपोजिट, फ्लेक्सिबल मीन्स कोई चीज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, मूवेबल होती है, बहुत इजीली होती है। जैसे बोलते हैं ना कि जो जिमनास्ट होते हैं उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में बोन नहीं है, तो उसी को फ्लेक्सिबल बोलते हैं, जो बहुत जल्दी ट्विस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो क्या हो जाएगा, सपल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। एंटोनिम बताना। स्टेप, स्टेल मीन्स होता है बासी, जो रात का खाना होता है, रात की रोटी होती है, सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मीन्स उसका जस्ट अपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडामेंट, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, हार्ड टू प्लीज। तो क्या हो जाएगा, स्टिफ। स्टिफ मीन्स जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, जिसको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेंटेंस आइडेंटिफाई द कंटेंट, ग्रामेटिकल एरर आपको देखनी है क्या हो जाएगी इसमें। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, जो चीज मैं खाता हूँ क्या हो जाएगी उसमें, क्या हो जाएगा, एवरीथिंग दैट आई लाइक, जो चीजें जो भी मैं खाता हूँ क्या है, दैट आई लाइक मीन्स, दैट मीन्स एक की बात हो रही है, दैट मीन्स दिस एंड दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर फैटनिंग होगा कि इस फैटनिंग हो जाएगा, जो कुछ भी मैं खाता हूँ समझे मोटा हो जाता हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्लैग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी चीज को रिप्लेस करना, तो आपको वन लाइनर लिखा है, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको बताना। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, मतलब जो बोलने में बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर का है, पहला है कॉन्फिडेंट, उसको तो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं तभी तो वो इतना ज्यादा कम बोलता है। दूसरा एडामेंट, एडा मीन्स क्या होता है, वही जिद्दी, एडामेंट मीन्स जिद्दी। और तीसरा है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट होता है लोकेशियल, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, टॉकेटिव नेचर को ही बोलते हैं एलोक्वेंट। और ये क्या हो जाएगा, रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स हो जाएगा जो कम से कम बात करता है बट बहुत ज्यादा अच्छे वर्ड्स का, मतलब जिसको बोल सकते हैं जैसे किसी ने ये पूरा पैराग्राफ बोला, और रेटिसेंट क्या, इतनी सी बात में ही इस पूरी चीज को कन्वर्ट करके आपको एक सारांश में जो समझा सकता है अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट करके, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है, स्लैग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम्स की बात हो रही है, स्पिल द बीन्स, बीन्स मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा ना बीन बैग या बीन्स वाली जो सब्जी होती है, इस टाइप से छोटी छोटी होती है ना, स्पिल मीन्स होता है किसी चीज को फैलाना, तो अगर वो किसी चीज में बहुत सारी बीन्स रखी है, आपने उसको गलती से गिरा दी तो सब कुछ फैल जाता है ना, वही चीज है यहाँ पर। और ऑप्शन का मतलब, क्वेश्चन का मतलब यही है, मीनिंग देखते हैं, मीनिंग जो आपकी इसके एग्जैक्ट इंटरनल मीनिंग पर डिपेंड होती है, आपको मीनिंग का मतलब समझना होता है, एग्जैक्ट यही नहीं कि इसकी हिंदी ही निकल आई। पहला है वेस्ट मनी, पैसे की बर्बादी करना, वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा काम करना, फैला दिया उसमें कौन सा काम किया, परफॉर्म मैजिक, कोई मैजिक नहीं, गिव अवे अ सीक्रेट, मतलब अगर जैसे होता है ना कि हमने तो बहुत कुछ छुपा के, बीन्स के अंदर कुछ छुपा के रखा था और सडनली बीन्स हमसे फैल गए तो हमारा जो सीक्रेट था वो रिवील हो गया, तो वही हो जाएगा स्पिल द बीन्स, मतलब अपनी बात को, अपने सीक्रेट को बता देना, गिव अवे अ सीक्रेट, अपना जो आपने छुपा के सीक्रेट रखा था उसको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टूडेंट वेंट टू देयर क्लासेस आफ्टर असेंबली, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेड, ये तीनों वर्ड है जो वो आपके रिस्पेक्ट के फॉर्म में, यानी किसी को सम्मान देने, कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल, जिसको आप सम्मान दे सकते हो, जो सम्मान के योग्य है, रिस्पेक्टेड टीचर्स होता है उनके लिए होता है, जो रिस्पेक्टेड वर्ड होता है। कई बार आपने मैथ्स के क्वेश्चन में भी लिखा होगा या पढ़ा होगा कि 3-4 रिस्पेक्टिव 4-5,
या 6 4, ऐसा करके कोई क्वेश्चन बना होगा। तो जो 3 है वो किसको बिलोंग कर रहा है? 6 को, और 4 बिलोंग कर रहा है किसको? 4 को। मींस जो चीज सीरीज में जैसे चल रही है, अगर हम बोले कि दो दो लोग जा रहे थे मार्केट में, रिस्पेक्टिव पहला वाला या रिस्पेक्टिव एक ने आम खरीदा या कुछ ऐसे, तो पहले वाले से जो पहला इसमें दिए वही पहला इसमें भी चूज होगा। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट वेंट टू देयर रिस्पेक्टेड क्लासेस, रिस्पेक्टिव क्लासेस मतलब अगर कोई 5 का स्टूडेंट है तो वो 5 में गया और 6 का स्टूडेंट 6 में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेम क्वेश्चन आपका वन वर्ड का ही है। क्या हो जाएगा आपको? वन लाइनर के लिए आप प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर कैप्ट। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर आप कपड़े रखते हो उसको क्या बोलते हो, या तो वार्डरोब या अलमीरा। इस ऑप्शन को बिना ही, इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन देखे ही आप कर सकते हो, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। कॉफिन, हैंगर, हैंगर मीन्स किसी चीज को हैंग करना, शाफ्ट और कॉफिन, ये सब जो आपके अलमीरा में अंदर यूज किए जाने वाले चीजें हैं। बट वार्डरोब क्या होता है? जिसमें आप कपड़ों को रखते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 25 की मार्किंग प्लस 2 की होती है और नेगेटिव माइनस 1/2 की, यानी हाफ की होती है, 1/4 की होती है। ठीक है, तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको सिनोनिम ही बताना है इसमें भी। सिनोनिम मीन्स आपको उसका सेम वर्ड बताना है, जो मीनिंग है ग्लोरियस, ग्लोरीज क्या होता है? किसी चीज की तारीफ करना। अब यहाँ देखते हैं, इसको आपको सिनोनिम बताना है। जेंटल, अनयूजुअल, जो चीज कभी भी यूज नहीं है, जो चीज रेगुलर नहीं होती है, हैपनिंग, एनॉर्मल बहुत ज्यादा बड़ा, और स्प्लेंडेड मीन शानदार। स्प्लेंडेड मीन क्या होता है? शानदार। जेंटल मीन जो बहुत ज्यादा बाय नेचर हार्ड सॉफ्ट नेचर का होता है उसको बोलते हैं जेंटल। पर ग्लोरियस मीन क्या होता है? जैसे आप मेजेस्टिक कह सकते हो, ग्लोरियस मीन मेजेस्टिक, कोई चीज बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लुकिंग में है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा शानदार वाली या कुछ ऐसी चीजें जो आपने कभी भी उसकी बहुत ज्यादा खूबसूरती नहीं देखी है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, उसको बोलते हैं ग्लोरियस। क्या हो जाएगा? स्प्लेंडेड। नेक्स्ट वर्ड आपका, नेक्स्ट है आपका पैरा सिंबल, ए बी सी डी या पी वाई क्यू के फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी के फॉर्म में है, तो ऑप्शन में पहले देखते हैं। ऑप्शन में आपको बी दिया, सी और सी, यानी ए और डी से तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, पहले तो आप ऐसे करेंगे। दूसरा, अगर सपोज करिए सारे बी से होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? बीमा वॉज, बट से तो स्टार्ट होगा नहीं, बट कब होता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है, एक सेंटेंस इधर हो दूसरा इधर हो, यानी कंजेक्शन, दो वर्ड्स दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस को जोड़ता है, तो यहाँ पे तो कंजेक्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या है? ही किसके लिए यूज हुआ? प्रोनाउन है, प्रोनाउन में ही है कौन? नहीं पता। अब इन दोनों में देखते हैं, एट फर्स्ट ही थॉट, फिर से ही आ गया प्रोनाउन, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड, बीमा क्या अपनी फील्ड को विजिट करने गया, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मतलब ए हमारा फर्स्ट हो गया, बीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड, उसमें क्या हो जाएगा? राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। फिर क्या बोल रहा है? He then called, उसने क्या देखा? जैसे देखा कि कोई एक ऐसी डिस्क है जो राइज हो रही है। At first he thought it was a stalactite. He then called out to the people, but by then only a red glow was visible. पहले उसने क्या किया? उसने सोचा कि लोगों को बुला लेते हैं, बट उसने जैसे देखा कि उसमें क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, तो उसने क्या सोचा? At first he thought it was a stalactite. उसको पहले जैसे उसने रेड कलर का ग्लो देखा अचानक से उठते ही, तो उसको क्या लगता है? ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। जैसे उसने कुछ राइजिंग डिस्क देखी, मतलब कुछ ऐसा देखा जो इस टाइप से उठ रहा है, तो उसने देखते उसको क्या थॉट हुआ कि ये तो राइजिंग एक स्टक काइट हो सकती है, काइट ऐसी जो फंसी हुई हो सकती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दूसरा? सी के बाद बी वाला ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं, ही देन कॉल्ड टू द पीपल, उसने तुरंत ही लोगों को बुलाया, बट देन ओनली रेड ग्लो वाज विजिबल इन द स्काई,
बट वेन इज स्टार्टेड राइजिंग हायर एमिटेड, तो क्या हो जाएगा, जैसे उसने देखा कि इससे कुछ निकल रहा है, राइज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, बट वेन स्टार्टेड राइजिंग हायर, जैसे ही लेकिन ये और ज्यादा हाई होकर राइज होने लगी, मतलब और ज्यादा ऊंची उठने लगी, अन एमिटेड लाइट, ही वॉज शॉक, और उससे लाइट निकलने लगी, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी लास्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे लास्ट में उसने लोगों को बुलाया, कैसे ऑप्शन किया, पहले क्या था भीमा वाला गाउन से देखा, फिर क्या उसने क्या देखा, एक डिस्क को देखा जो राइज हो रही थी, स्टार्टिंग में उसको क्या लगा, एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले उसको क्या फील हुआ कि एक ऐसी काइट हो सकती है जो उसमें फंसी हो, तो ये ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा, फिर इन दोनों में देखते हैं तो क्या हुआ, जैसे उसने देखा कि एक ऐसी काइट है जो राइज हो रही है, बट बहुत ज्यादा राइज होती गई, उससे लाइट इमर्ज होने लगी, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जब शॉक हो गया तो उसने लोगों को बुला लिया, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलोज आर जंबल वर्ड, सेम है आपका जंबल वर्ड दिए हुए आपको उस पे करना है, तो पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे आप, बी ऑप्शन और बी और सी, यानी ए तो आपका होगा नहीं, फिर यहाँ पे क्या है बी, ट्रूली हाउएवर फिजिकल स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउएवर वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हाउएवर आपका कंजेक्शन की तरह यूज हो जाएगा, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ द लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप, हार्डशिप मीन्स डिफिकल्ट टाइम विद इक्वानिमिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पर्सनैलिटी से पहले हम किसकी बात करें, फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या करती है, कोप विद मतलब आपका सहारा बनती है, ये भी एरर का आपको कई बार देते हैं कि कोप अप विथ, पेपर इसमें इस टाइप की भी एरर रहती है, तो कोप अप विथ साथ में नहीं आता है, फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग, जो भी आपके अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो गए तो आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें आपको हेल्प करती, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन डी हो जाएगा, फिर देखते हैं फिजिकल जो इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस व्हिच कैन बी बिल्ट, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है जो आपको क्या करती है, बिल्ड एंड ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, जिसमें आपको कैसे बिल्ड करनी होती है इसको, ट्रेनिंग करके और एक्सरसाइज को, दूसरा है ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, लेकिन हम किसकी बात करें, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे आती है, किससे आती है, आपकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से आती है, फिर बी और सी ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप, हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज पर्सनैलिटी ट्रेट, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, उसके बाद आपका बी ऑप्शन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल, FIB आपका, द गवर्नमेंट हैज वॉर्न्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वॉर्न किया मतलब चेतावनी दी है, द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स क्या होते हैं जो सामान की ट्रेडिंग करते हैं, इधर से उधर ट्रेडिंग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडर्स, आर नॉट टू ऑनियंस, ऑनियंस का क्या करेंगे वो, ट्रेडर्स तो किसी चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं मोस्टली जिसके लिए गवर्नमेंट ने वॉर्न किया है, खरीदने या बेचने के लिए तो वॉर्न नहीं करेंगे कि नहीं आप खरीद नहीं सकते या बेच नहीं सकते, तो किसके लिए वॉर्न करेंगे, क्रॉस बोर्ड कंबाइन बल्क, कंबाइन मीन्स एक साथ मिला के नहीं रखना, बल्क मीन्स बहुत ज्यादा, और होर्डिंग किसके लिए होता है जिस चीज को आप नेगेटिव में यूज करते हो, होर्डिंग मीन्स कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा अपने पास उसको पाइल बना के रख लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा गट्ठा बना के फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो आप उसको इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको ये सेशन समझ में आता है प्रीवियस पेवर के लिए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट हम इसकी एक सीरीज लाइव क्लासेस में भी कन्वर्ट कर दें, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।